हेलो गाइस, मेरा नाम है यमन और आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रो डांस स्टाइल पर। और आज के इस वीडियो में आप सीखोगे इलेक्ट्रो डांस के कुछ एक्सरसाइज जो कि आपको हेल्प करेगी इलेक्ट्रो डांस स्टाइल को सीखने में। इलेक्ट्रो डांस स्टाइल का बेसिक जो नॉलेज था वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया था, तो वो आप देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रो डांस स्टाइल होती क्या है और इसे कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में जिसको आप यूज करके इलेक्ट्रो डांस स्टाइल सीख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। शपथ लीजिए, अब अपने हाथ को ऊपर लेकर जाइए, अब अपने हाथों को स्ट्रेट कीजिए, वापिस से अपने हाथों को नीचे लेकर जाइए, वापिस से शपथ लीजिए। इस तरीके से अपने हाथों को घुमाइए और इस तरीके से आपको रोटेट करना है अपने हाथों को फास्ट वे में, और इसे 1 मिनट तक करना है। और इसे बोथ हैंड्स आपको करना है, लेफ्ट और राइट से, और इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से आपको करना होगा। आपको दोनों हैंड को साथ में रोटेट करना है इस तरीके से, आपको इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से करना है, और इसे आपको 2 मिनट तक लगातार करना होगा। अपने लेफ्ट हैंड को अपने पीठ पर रखिए, अपने राइट हैंड के एल्बो को ग्रैब कीजिए अपने लेफ्ट हैंड से, और अब इसे खींचने की कोशिश कीजिए और इसे खींचकर इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए 10 से 20 सेकंड तक। वापस एक बार समझते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको अपने एल्बो को ग्रैब करना होगा, स्टेप सेकंड के अंदर आपको खींचना होगा, और स्टेप थर्ड के अंदर इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है 10 से 20 सेकंड, और इसे आपको 5 टाइम्स करना होगा और दोनों हैंड्स आपको करना है ये। अपने दोनों हैंड से चिकन विंग्स को आपको करना है, और इसे कोशिश कीजिए तेज करने की, और इसी एक्सरसाइज को आपको लगातार 2 मिनट तक करना होगा। एक हैंड का आपको चिकन विंग्स रखना है और दूसरे हैंड को उस गैप के अंदर से अपने हाथ को निकालना है, और इस एक्सरसाइज को आपको लगातार करना है, फास्ट वे में करने की कोशिश कीजिए और इसे 2 मिनट तक लगातार कीजिए। ये ठीक पुरानी एक्सरसाइज के जैसा है, बट यहाँ पर आपको एल्बो को बेंड करना है इस तरीके से। वापिस से जो गैप है इस तरीके से अपने एल्बो को बेंड करना है, वापिस से अपनी गैप के अंदर हाथ डालिए और इस तरीके से एल्बो को बेंड कीजिए। अपने शोल्डर को ऊपर कीजिए, आगे लाइए, नीचे लाइए, पीछे लाइए, ऊपर आगे पीछे नीचे, इस तरीके से सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए और इस तरीके से अपने शोल्डर को रोटेट कीजिए। ये आपको 2 मिनट तक करना होगा, आपको 1 मिनट क्लॉकवाइज और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज तरीके से करना है। आपको एल्बो रोटेशन करना है इस तरीके से, 2 मिनट तक करना है, और जैसे आपने शोल्डर रोटेशन किया था सेम वैसे ही आपको एल्बो रोटेशन करना होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड के एल्बो पर रखिए, और अब अपने राइट हैंड को रोटेट कीजिए इस तरीके से, और जब आप रोटेट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो भी साथ ही साथ रोटेट होता है, मेरा पाम है वो रोटेट होता है। इस तरीके से आपको रोटेट करना है और 2 मिनट के लिए, इस तरीके से आपको दोनों हाथ को रोटेट करना होगा 2 मिनट के लिए। दोनों इसको रन कर लीजिए, आगे लाइए और इस तरीके से बस एंगल चेंज कर लीजिए, और इस कोशिश कीजिए इसे तेज करने की, और इसे भी आपको 2 मिनट तक करना होगा। आपको आपकी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है जैसे हम नॉर्मल एक्सरसाइज में करते हैं, ठीक वैसे ही अपने हेड को स्ट्रेट रखिए, बस अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करते जाइए। इस एक्सरसाइज को आपको 2 मिनट तक लगातार करना होगा, कोशिश कीजिए इसमें स्पीड बनाने की। अपने हाथ को स्ट्रेट रखिए, अब अपने एल्बो को इस तरीके से बेंड कीजिए, अब आपको एक दूसरे के ऊपर से इस तरीके से हाथ को निकालना है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, और इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करना होगा और इसे तेज करने की कोशिश करना है, और इसे भी 2 मिनट तक करना है। सभी एक्सरसाइज को आपको 2 मिनट तक करना है। तो इलेक्ट्रो डांस स्टाइल की ये कुछ एक्सरसाइज है जिसका आप यूज करोगे 1 वीक तक। आपको एक एक्सरसाइज को 5 टाइम्स करना होगा, और इस तरीके से आपको सभी एक्सरसाइज को करना होगा, और जब आप इसको पूरा कर लो उसके बाद एक तरीके से ये आपका एक कॉम्बो हो जाएगा, और आपको लगातार इसको 7 दिन तक करना है जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके मूव्स, उसकी एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो जब तक के लिए आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि ये एक्सरसाइज को आप याद कर पाओ, और याद करने के बाद आपको रोज़ इस तरीके से परफॉर्म करना होगा। और यदि आप इसे परफॉर्म करोगे और इसे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको ये कोशिश करना होगा, आपको इसके अंदर आपकी स्पीड पर काम करना है। तो जैसे कि आप एक पहले जो एक्सरसाइज सीख जाओगे
एक्सरसाइज को पहले सीख जाइए, पहले उसको अच्छे से याद कर लीजिए, देन आपको स्पीड पर काम करना होगा, तो आपको धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज करनी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।